नमस्ते, आप देख रहे हैं दिकन टॉप, मैं हूं प्रफुल। कवि शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर ने जब ये कहा तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि यह कथनी कभी असत्य साबित हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाम में क्या रखा है इसको इतना सीरियस लेगी कि नाम बदलने की कवायद ही शुरू कर देगी। बीजेपी की नजरों में, बीजेपी के आईने से, बीजेपी के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम में विकास रखा है, नाम में ही राष्ट्रवाद रखा है, नाम में ही आर्थिक नीतियों में बदलाव रखा है। यानी नाम बदलने से लोगों के किस्मत बदल जाते हैं, लोगों के भाग बदल जाते हैं। नाम बदलने से ही प्रदेश की सियासत में या प्रदेश के दफ्तरों में प्रदेश की हालत बदल जाती है। नाम बदलने से ही उस राज की बदहाली दूर हो जाती है। नाम बदलने से ही लोगों की गुर्बत दूर हो जाती है। नाम बदलने से उस जिले में खुशहाली आ जाती है। नाम बदलने से उस जिले के लोग खुशियों से उछलने लगते हैं। नाम बदलने से वो जिला चांद पर पहुंच जाता है। इसीलिए तो बीजेपी नाम बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश में आप 12 जिलों के नाम बदलने की तैयारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, यानी अब 12 जिलों के नाम बदल जाएंगे। अब अपने कान को आप खुला रखें, आंख को भी चौकस चौकन्ना रखें, देखने के लिए पोस्टरों पे और सुनने के लिए कि आपके जिले का नाम तो नहीं ना बदला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12 जिलों के नाम अब बदल दिए जाएंगे। और उन जिलों के नाम क्या रखे जाएंगे ये अब हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है, यूपी में 12 से ज्यादा जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार, जानिए किन शहरों से होगी शुरुआत। यानी उसका भी एक शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा कि नाम बदलेंगे तो किस शहर से नाम बदले। यानी मुगलों के नामों निशान को मिटाने की ये पूरी कोशिश हो रही है, मुस्लिम नाम को मिटाने की कोशिश हो रही है, यानी इतिहास को यूं कहें तो बदलने की कोशिश हो रही है। भले हम नए इतिहास नहीं बनाएंगे लेकिन पुराने इतिहास को जरूर मिटाएंगे, यही कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। शहर नहीं बसाएंगे, शहर का नाम बदलेंगे। जिले नहीं बनाएंगे, जिले के नाम बदलेंगे। नए रेलवे स्टेशन नहीं बनाएंगे, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देंगे। ये कवायद, ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की है। खैर, यूपी में एक बार फिर से शहरों के नाम बदलने की कवायद शुरू हो रही है, तैयारी शुरू हो गई है। लगभग 12 जिले शामिल हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से होगी जिसपे बीजेपी की ज्यादा नजर होती है। वो 6 जिले हैं जिनके नाम पहले बदले जाएंगे। अलीगढ़, अलीगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता है ये आप बाखूबी जानते हैं। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाएगा या फिर आर्यगढ़ कर दिया जाएगा। फरुखाबाद, फरुखाबाद का नाम बदलकर पंचाल नगर कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं सुल्तानपुर की तरफ। सुल्तानपुर के नाम को बदलकर कुशभवनपुर कर दिया जाएगा। बदायूं का नाम बदलकर बेदमऊ कर दिया जाएगा। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया जाएगा। शाहजहांपुर का नाम बदलकर शाजीपुर किया जाएगा। यानी ये 6 जिले जो आपके सामने हमने रखा, इनके नाम बदले जाएंगे। अब जरा सोचिए कि इन 6 जिलों के नाम बदल देने से क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की जो सूरत हाल है वो बदल जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश से गरीबी गुर्बत दूर हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में जो बदहाली है वो दूर हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार अत्याचार है इन जिलों के नाम बदलने से खत्म हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अपनी राय जरूर बताइएगा कि नाम बदलने पर आप क्या सोचते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो गोरखपुर मंदिर के, जो गोरखनाथ मंदिर है उसके मठाधीश भी है, और गोरखपुर से जब सांसद थे तब भी उन्होंने कई इलाकों के नाम बदले थे। गोरखपुर में जब वो थे, उर्दू बाजार का नाम बदलकर हिंदी बाजार कर दिया। हुमायूंपुर का नाम बदलकर हनुमान नगर कर दिया। मीना बाजार का नाम बदलकर माया बाजार कर दिया और अली नगर को आर्य नगर कर दिया। और गोरखपुर जनपद का, वो वहां से सांसद रह चुके हैं, अब तो खैर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जब सांसद थे तब भी उन्होंने गोरखपुर के कई जगहों के नाम बदल दिए थे। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया था, हुमायूं को उसका भी नाम बदलकर हनुमान नगर कर दिया था।
तो इस कदर नाम बदलने से गोरखपुर की बदहाली दूर हुई थी। नाम बदलने से गोरखपुर में जो 70 बच्चों की मौत हुई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, क्या वो जिंदा बचे? क्या नाम बदलने से गोरखपुर में खुशहाली आई? क्या नाम बदलने से गोरखपुर का विकास हुआ था? क्या नाम बदलने से गोरखपुर अपने असल मुकाम पे पहुंचा था? अगर पहुंचा होगा तो इसका भी जवाब हमें दीजिएगा। खैर, उसके बाद में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो स्टेशनों के नाम बदल देते हैं। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया जाता है। इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या कर दिया जाता है। ये मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। क्या रेलवे स्टेशन के नाम बदलने से जो उत्तर प्रदेश से रेल यात्री अलग अलग राज्यों में मुसीबतों का सामना करते हुए एक सामान्य बोगी में सफर करते हैं, क्या उनकी बदहाली, उनकी समस्याओं का निदान हुआ? क्या फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर देने से फैजाबाद और अयोध्या की समस्याएं दूर हुई? क्या फैजाबाद के लोगों को रोजगार मिला या अयोध्या के लोगों को रोजगार मिला? क्या इलाहाबाद का नाम बदल देने से, प्रयागराज कर देने से इलाहाबाद की बदहाली दूर हुई? क्या इलाहाबाद के लड़के जो आत्महत्या कर रहे थे, बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, बेरोजगार युवा सड़कों पे रोजगार मांग रहे थे, क्या उनको रोजगार मिला? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो हम आपके सामने छोड़ते चले जा रहे हैं। खैर, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अभी करीब 6 जिले हैं जिन पर अंदर खाने सहमति बन चुकी है, मुहर लगना बाकी है, मुहर भी लग चुकी है और वो ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ प्रपोजल आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। अलीगढ़ बता दिया आपको, अलीगढ़ का नाम बदला जाएगा। उसके बाद में सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, ये तमाम जिले हैं जो आपके सामने मैंने रखे और इन जिलों के नामों के कोई सांसद, कोई विधायक ही प्रपोजल रख रहे हैं। यानी नाम बदलने की प्रक्रिया बीजेपी ने तेज कर रखा है, क्योंकि नाम बदलने से ही खुशहाली आएगी, नाम बदलने से विकास की गति तेज होगी, नाम बदल देने से प्रदेश में खुशहाली आ जाएगी, सबके चेहरे चमक उठेंगे और किसी को रोजगार मांगने की जरूरत ना पड़ेगी, किसी को हॉस्पिटल में दवाई ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि नाम बदल जाएगा तो बीमारी भी छू मंतर हो जाएंगे, नाम बदल जाएंगे तो गुर्बत भी छू मंतर हो जाएगी, नाम बदल जाएंगे तो अनाज आपके पेटों में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी नाम बदल रही है। ये नाम बदलने की कवायद है और नाम बदलने के पीछे की मंशा क्या है ये आप भी बाखूबी जानते हैं। चलते चलते हम भी आपको बता दें कि नाम बदल कर इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है। नाम बदल कर जो मुस्लिम नाम है उसको मिटाने की कोशिश है ये, कि मुसलमानों के नाम को मिटा दो, मुसलमान नाम को हटा दो, हिंदुत्व को अपने तरफ करो, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व का एजेंडा, जहां चुनाव ही हिंदुत्व पे लड़ा जाए, राम के नैया पे सवार होकर चुनावी बैतरनी पार किया जाए, वहां पे ये सब करना भी लाजमी है, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या और होता है। उत्तर प्रदेश का कहीं नाम, उत्तर प्रदेश नाम ही ना बदल दिया जाए, ताकि कहीं उत्तर प्रदेश का नाम बदल देने से पूरे शहर का ही नाम ऑटोमेटिक बदल जाए, इसलिए वो भी हो सकता है। तो नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हैं कि क्या क्या बदलते हैं, क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, किस किन 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 शहरों के नाम बदले जाएंगे, किन किन जिलों के नाम बदले जाएंगे, वो आगे तक देखना बाकी है। जो भी होगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।